आंटी आदिल नजर नहीं आ रहा। अरे बेटा वो भी इन्हीं चक्करों में इधर उधर भागा फिर रहा है। उसे उबैद भाई की फैमिली की बहुत फिक्र रहती है। तुम उनसे बात करो, उनसे कहो उन्हें जो कुछ चाहिए ले ले, मेरी जान तक ले ले, लेकिन मेरी बच्ची को छोड़ दे। भी आदिल आ जाए ना तो खुद उसके साथ चलते हैं पुलिस स्टेशन। उबैद भाई अगर मेरे दिल से पूछो ना, पता नहीं क्यों मुझे आदिल पे भरोसा नहीं है। यूसुफ मुझे ये बताओ उसे ठिकाने लगाया या नहीं तुमने? यार देखो ऐसा ना हो कि हम दोनों ही फंस जाएं। मैंने आगे बहुत बड़ा रिस्क लिया उनको फॉर्म हाउस पे रख के। हाँ जल्दी से क्लियर करो, बताओ मुझे। ठीक है जल्दी नाश्ता करो भाई, हम लोग पहले ही बहुत लेट हो गए। उबैद क्या सोचेगा कि अच्छी बहन है जो इस गम के मौके पे हमें छोड़कर और खुद आराम करने चली गई। अजीब मुसीबत है मामा, जब से हम आए इस प्रॉब्लम में फंस गए। आखिर ये मसला सॉल्व कब होगा? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। हाँ पता नहीं, मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि मामू आखिर पुलिस की मदद क्यों नहीं ले रहे, और इसमें इतनी हेसिटेट होने वाली कौन सी बात है। मामा मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर मामू अब भी नहीं गए ना तो मैं खुद पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेंट दर्ज करा दूंगा। तुम कंप्लेंट कराओगे? क्या जानते हो तुम यहां के पुलिस स्टेशन के बारे में, उनके रवैये के बारे में? तुम जानते हो यहां पर जो जाके कंप्लेंट दर्ज करवाता है उसी को सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। फाइज ठीक कह रहा है, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें कहीं भी जाने की, बस आराम से बैठो। अरे मैं नहीं बैठ सकता आराम से। आप लोगों को ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही कि किडनैप होने वाली मेरी मंगेतर है और कितनी इन्वॉल्वमेंट थी आप दोनों अच्छे तरीके से जानते हैं। तुम्हें हमारी बातें समझ नहीं आ रही? मैंने तुमसे कह दिया कि तुम पुलिस स्टेशन नहीं जाओगे तो नहीं जाओगे। अच्छा भाई बस तुम दोनों बहस बंद करो और जल्दी से नाश्ता खत्म करके चलो। नहीं करना मुझे। अरे आप लोग इसे समझाएं, इसे कुछ पता नहीं है कि क्या कह रहा है। वैसे हादे गीती मुझे लगता है तुम एक दिन आदिल की मोहब्बत में दीवानी हो जाओगी। मैं तो उसकी मोहब्बत में दीवानी हो चुकी, पता नहीं उसको मेरे जज्बों की कब खबर होगी। मैं जाकर बता दूं? कोई जरूरत नहीं है, मैं मोहब्बत का पैगाम किसी और की जबान से महबूब तक पहुंचाने की कायल नहीं हूँ। यार मोहब्बत तो एक खुशबू है जो एक दिल से दूसरे दिल तक पहुंचती है। अरे तो तुम्हारी खुशबू उस तक नहीं पहुंच रही ना, मैं पहुंचा देती हूँ। पहुंच जाएगी, क्या खबर मेरे जज्बों की सच्चाई में कोई कमी हो। और क्या खबर वो डफर जानबूझकर अनजान बन रहा हो। वैसे आदिल चाहता तो है तुम्हें, मैंने नोट किया है, बड़ी गहरी गहरी नजरों से देखता है वो तुम्हें। काश ऐसा हो कि वो मेरी आंखों में आंखें डाल के बस एक बार कहे, सिर्फ एक बार कि मुझे तुमसे मोहब्बत है। अच्छा और अगर ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा? हाय कसम से मैं तो मरी जाऊं। अरे वाह भाई वाह, क्या मोहब्बत है, जहां महबूब ने मोहब्बत का इकरार किया वहां बंदा ही मर गया। यार गीती तुम उसके साथ जिंदगी भर जीने की बातें क्यों नहीं करती हो? जिंदगी भर का तो मुझे पता नहीं। हाँ लेकिन एक बात कहेगी, मैं आदिल की खातिर अपनी जान तक दे सकती हूँ। काश मुझे मौत भी उसी के हाथ में आ जाए। <स्थाथ
सब कुछ जानने वाले, ये सब कुछ देखू, तू तो सब जानता है कि मेरी बेटियां सब के साथ में, तो हर चीज बता देगा। फिर मेरी बेटियों को जालिमों के चुंबन से छुड़ा दे, तो अपने दिल में सत्तर माओं का प्यार रखता है, तो फिर मेरी ममता पे रहम कर दे, मेरी बेटियों को मुझसे मिला दे, मुझ पे अपना रहम कर दे, मुझे माफ कर दे, मुझे अम्मा, अम्मा, अम्मा उठे, तानिया, तानिया जल्दी आओ, अम्मा, तानिया देखो अम्मा को क्या हुआ, अम्मा को क्या हो गया, अम्मा उठे खोले होश करे, तानिया हम पानी लेकर बाबा को बुलाओ, इन्हें शायद हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा, मैं बुलाती, अम्मा, अम्मा उठे प्लीज, अम्मा आदिल बेटा कहाँ थे तुम? तुम इतने परेशान लग रहे हो, खैरियत तो है? नहीं, मैं वो यूसुफ और दुरानी अंकल के साथ है ना, तूबा के बारे में पता लगा रहे थे। तूबा और गीती का कुछ पता चला? नहीं अभी तो नहीं पता चला, लेकिन जैसे ही पता चला मैं आपको बता दूंगा। अच्छा मैं जरा थका हुआ, मैं जाके आराम करना चाहता हूं। यूसुफ मुझे ये बताओ उसे ठिकाने लगाया या नहीं तुमने? यार देखो ऐसा ना हो कि हम दोनों ही फंस जाएं। मैंने आखिर बहुत बड़ा रिस्क लिया उनको फॉर्म हाउस पे रख के। हाँ जल्दी से क्लियर करो, बताओ मुझे। ना ना, कहीं मेरे आदिल नहीं तो उन दोनों को किडनैप नहीं किया? बेटा भतीजा बहुत हौसले वाली है, उसे कुछ नहीं होगा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। मुझे बहुत डर लग रहा है, एक के बाद एक परेशानी आती जा रही है, पता नहीं क्या होगा। जिस तरह तुम पिछले दो दिन से मुसलसल रो रही हो, मुझे तो लगता है तुम्हें कुछ हो जाएगा। देखिए इनका ब्लड प्रेशर बहुत हद तक गिर चुका था, बहुत लो हो गया था, मैंने इंजेक्शन तो लगा दिया। अब देखते हैं अगर कुछ देर में इनकी हालत बेहतर हो जाती है तो ठीक है, वरना प्लीज आप इन्हें हॉस्पिटल ले जाइएगा। डॉक्टर साहब कुछ ज्यादा परेशानी की बात तो नहीं है ना? देखिए ये बहुत बड़े स्ट्रेस में है, और ये आप लोगों का काम है कि आप लोग इनको जितना जल्द हो सके इनको रिलैक्स रखें। अगर इसी तरह इनका ब्लड प्रेशर लो रहा तो बात बहुत खतरे की भी हो सकती है। प्लीज आई वुड सजेस्ट कि आप लोग इन्हें हॉस्पिटलाइज कर दें। जी डॉक्टर साहब, थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं तो हॉस्पिटल ले जाएंगे। आइए आइए प्लीज। ये आदिल ने क्या कहा और क्यों कहा? आदिल है कहाँ? मुझे उससे बात करनी पड़ेगी। हम सब ने यही डिसीजन लिया है कि हम कंप्लेन फाइल करेंगे। जी जी जी, मैं
थोड़ी देर में तूबा और भीती के फादर्स को लेके पुलिस स्टेशन पहुंच गया। जी जी, मैं सच आपको आपका रेफरेंस दे दूँ। अंकल थैंक यू सो मच फॉर दिस। बेटा बात होगी तो रहने साहब से, तो क्या ख्याल है उनका, हमें ये स्टेप लेना चाहिए? जाहिर है पापा, अब हम सब लोगों ने ये डिसाइड किया है कि हमें स्टेप ले लेना चाहिए, तो हम आपको एक अफसोस, मेरा ख्याल है कि हमें ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। कचरा कुंडी से एक नौजवान लड़की की लाश बरामद हुई है जिसे ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया। पुलिस की इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मकतूला के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात पाए जाते हैं। हम आपको एक बार फिर अफसोसनाक खबर से आगाह करते हैं कि डिफेंस के इलाके में दरिंदा सिफत इंसान ने एक लड़की को ज्यादती के बाद गोली मार कर बेदर्दी से कत्ल कर दिया। एक बार फिर अफसोसनाक खबर से आगाह करते हैं। डिफेंस में कचरा कुंडी से एक नौजवान लड़की की लाश बरामद हुई है जिसे ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया। पुलिस की इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मकतूला के जिस्म पर तशद्दुद के निशान। छोड़ूंगा नहीं इस बदबخت को जिसने गीती का मर्डर किया। क्या कर रहे हो आप? तुम जोर से मैं गुस्से में कहां जा रहे हो? हम आपको एक अफसोसनाक खबर से आगाह करेंगे कि डिफेंस के इलाके में कचरा कुंडी से एक नौजवान लड़की की लाश बरामद हुई है। इस लड़की के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात पाए जाते हैं। पुलिस की इब्तदाई रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है कि इस लड़की को ज्यादती के बाद कत्ल किया गया और इसे गोली मार कर कत्ल किया गया। पुलिस की इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मकतूला के मेरा आदिल इतना सालिम नहीं हो सकता। आदिल ऐसा क्यों करेगा? गीती को आदिल ने कैसे Thank you.
तुम्हें आज की ब्रेकिंग न्यूज दे। तमाम मुल्क के चैनल्स पे चल रही है गीति के मर्डर की न्यूज। और कमाल की बात, उसके कातिल का किसी को पता ही नहीं और ना ही पता चले, क्योंकि गीति के मर्डर का कोई विटनेस ही नहीं। हाँ पता, तुमने जरूर देखा है कि मैंने गीति को मारा, लेकिन तुम ये बात किसी को बताओगी तो नहीं? और अगर अगर तुमने किसी को भी ये बताने की कोशिश की तो पता नहीं क्या, पर अगर तुमने किसी को बताने की कोशिश की तो याद रखना जो सलूक मैंने गीति के साथ किया और जैसे उसे मारा था बिल्कुल उसी तरीके से कामयाब। देखो मेरे पास पिक्चर्स हैं, दादा ये कितनी प्यारी स्माइल है अभी इसकी, और ये वाली पिक्चर ये मेरे साथ, देखा आनिया को जिंदा देखना चाहती हूँ, उसे ऐसे हंसता हुआ देखना चाहती हूँ। मार दूंगा उसे भी, मार दूंगा अगर तुमने किसी को बताया कि मैंने गीति को मारा। हम रखोगी ना अपनी अच्छे बच्चों की? वेरी गुड। I'm sorry. He is no more. Inna lillahi. देखो मायरा, तुम्हारी अम्मा की बहुत तबीयत खराब है, ये दोनों बुरी खबरें उस तक नहीं पहुंचनी चाहिए। ना वो गीति के कत्ल की खबर बर्दाश्त कर सकेगी और ना उसके बाप का सदमे से मरना।
तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? जी पप्पो, मैं समझ रही हूँ। वैसे उबैद को ये दो दो मैयतें घर में लाने की क्या जरूरत थी? उनके रिश्तेदार है ना, वो करते सब कुछ। पप्पो प्लीज, आप अच्छी तरह जानती हैं कि गीती हमारे लिए क्या थी। आपको ये भी पता है कि उनका हमारे सिवाय दुनिया में कोई नहीं था, तो उनके कफन दफन का इंतजाम और कौन करेगा अगर हम नहीं करेंगे तो? अच्छा बाबा, जो तुम्हारी मर्जी में आए वो करो। वैसे भी तुम लोग किसी की बात मानते कहाँ हो? मैं तो तुम्हारी माँ के लिए कह रही हूँ कि उस तक ये खबर नहीं पहुँचनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो खबर सुनते ही वो अस्पताल पहुँच जाए। पता है ना डॉक्टर ने क्या कहा था? मुझे तो तूबा की फिक्र हो रही है, पता नहीं वो लोग उसके साथ क्या सलूक करेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि गीती की तरह तूबा के साथ। अल्लाह ना करे पप्पू ऐसा हो। अरे क्या मतलब अल्लाह ना करे ऐसा हो? जब दोनों एक साथ किडनैप हुई हैं, तो क्या एक को मार देंगे और दूसरी को प्यार से रखेंगे? अच्छा खैर, मैं तानिया को तुम्हारे पास भेज रही हूँ। तू गीती का नाम लेके इस कदर रो रही है, उसको समझाओ कहीं ऐसा ना हो कि ये खबर तुम्हारी माँ के कानों तक पहुँच जाए, तो बस फिर तो अल्लाह ही हाफिज है। अल्लाह तो मेरी तूबा की हिफाजत करे। अरे हाय बहन, पता नहीं ऐसी कयामत टूटी है दोनों बाप बेटी पर। बेचारा बाप तो बेटी के सदमे से ही मर गया। अरे अल्लाह, बेटी के साथ भी बहुत बुरा हुआ है। जालिमों ने बच्ची का पता नहीं क्या हाल किया है, उसे मार ही डाला। हाँ बहन, मैंने भी टीवी पे खबर देखी, पता चला है। वैसे मारा गीती तो ज्यादातर तुम्हारे घर रहती थी ना, तो ये सब कुछ कैसे हुआ? जी वो गीती उस रात को अपने घर चली गई थी, इसलिए हमें नहीं पता कि क्या हुआ। अच्छा, ये खदीजा बहन और तूबा नजर नहीं आ रही। वो दरअसल खदीजा की तबीयत बहुत खराब है, तो तूबा अपनी माँ को संभाल रही है। बाबा, बाबा आप गीती को छोड़ आए? बाबा वो कभी वापस नहीं आएगी, बता ना बाबा। आए हाय, बच्चे में तो बड़ा प्यार था, और खदीजा ने तो गीती को अपनी बेटियों की तरह पाला है, और इनको दुख नहीं होगा तो और किसको दुख होगा? हमसे ज्यादा सदमा तो इनको है। तो ऐसा बताइए, आपका क्या इरादा है? क्या आप अपनी दोस्त की बेटी पर होने वाले जुल्म के खिलाफ FIR दर्ज करके मुकदमा चलाएंगे? नहीं नहीं अंकल, भला क्यों मुकदमा दर्ज कराएंगे? इसलिए कि ये लोग तो खुद अमेरिका शिफ्ट हो जाएंगे, उनकी गैर हाजिरी में यहाँ मुकदमे की पैरवी जरा मुश्किल। मेरा ख्याल है आप अपने तौर पर कुछ इन्वेस्टिगेशन कीजिए। मरने वाले के लवाकिन वगैरह? माँ पर बेटी का ही पता था, उसके अलावा कभी रिश्तेदारों से मुलाकात नहीं हुई, ना ही हम उनको जानते। यानी FIR कटाने वाला कोई नहीं? ठीक है, फिर हम अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन करते हैं, दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं, अगर पता चल गया तो ठीक है, वरना नामालूम अफराद के खाते में एक मजलूम कत्ल और लिख दिया जाए। उबैद भाई से भी कहें कि कुछ खा ले, इन्होंने रात से कुछ नहीं खाया। देखो बहन, ये दोस्त
मरने वाले के साथ मुकरा तो नहीं चाहते। जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ तो खाना पीना पड़ता ही है। थोड़ा बहुत कुछ करो। ओका चाहे तो पक्का कुछ पता नहीं चल रहा। इंदिशे और वसवसे फूल पे पास करके तुम ऐसे मिला ऐसे कुछ कैसे हो गया? अल्लाह से अच्छी दुआ मांगो। मेरा दिल तो पहले खौफ से हौले जा रहा है। जब से गेती की खबर टीवी पर आई है मेरा दिल तूबा के लिए बहुत परेशान है। अल्लाह से सब खैर मांगे आपा। अल्लाह से तो अच्छी की उम्मीद रखता है इंसान, लेकिन जब इंसान दरिंदे बन जाए तो उसे अच्छी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। तुमने देखा नहीं गेती को किस तरह इस हाल में मारा गया है? आप हम अल्लाह सब खैर करेगा। आप फाइज और मोइज से कहें कि नीचे आके खाना खा लें। आदिल साहब ने मुझे किस गेम में फंसा दिया। हेलो कौन? तुम लोगों ने अपनी एक लड़की का हशर तो देख लिया। अगर किसी ने पुलिस से रابطہ किया तो दूसरी का हशर इससे भी बुरा होगा। और तुम समझते क्या अपने आप को? सामने तो आ जरा। मुझे दो मुझे बात कर। हेलो, तुम लोगों को सुनाई नहीं दे रहा? मैं बार बार नहीं दोहराऊंगा, मेरी बात गौर से सुनो। तुम लोगों में से अगर किसी ने भी पुलिस से रابطہ किया तो तुम्हारी बेटी का हशर इससे भी बुरा। कौन हो तुम? हेलो, तू तूबा के बारे में कौन बात कर रहा था? कोई कुछ नहीं कह रहा था, धमकी दे रहा था। व्हाट? धमकी दे रहा? वास कर रहा था। वो समझता है हम उसकी धमकियों से डर जाएंगे। मोइज चलो मेरे साथ पुलिस स्टेशन। नहीं एक मिनट, कोई कहीं नहीं जाएगा। मैं डरने वाला नहीं। आदिल मैं भी आ रहा हूं। मैं तुमने सुना नहीं अंकल ने क्या कहा? कोई कहीं नहीं जा रहा। की भलाई इसी में है कि हम सब अपनी जबानें बंद रखी। वो खुदा ना खास्ता तूबा कभी वही हशर कर सकते हैं जो बच्ची वकार जुबानें बंद रखने के साथ साथ क्या हम दिल पे भी पत्थर रख लें? एक को तो दफना है, दूसरी को क्या जिंदा लाश को नहीं होगा। अभी कुछ करना होगा सर। मत सिखा, मत सिखा। हाँ यूसुफ, मैं फॉर्म हाउस के लिए निकल गया हूँ, तुम भी अभी निकलो। हाँ अभी, उसको वहां रखने का कोई फायदा नहीं। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें पिक कर लेता हूँ, लेकिन तुम घर के बाहर मोड पर आ जाओ, मैं तुम्हें वहां से पिक करूंगा। ओके। उसे ठिकाने लगाया या नहीं? यार देखो ऐसा ना हो कि हम दोनों ही फंस जाएं। मैंने आगे बहुत बड़ा रिस्क लिया उनको फार्म हाउस पे रख के।
कहाँ जा रही हो? वो मैं घर जा रही थी। हाँ तो मुझे भी घर जाना है, चलो कल साथ आ जाएंगे। चलो क्या तुम मेरी कॉफी के सिप्स गिन रही हो? क्या बात है मायरा, तुम्हें मेरे साथ वक्त गुजारना इतना मुश्किल क्यों लगता है? फाइज ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस अम्मा की तबीयत की वजह से। उफ, मुझे अफसोस हो रहा है अपनी किस्मत पे। बस एक मेरी शादी का दिन था जो सुकून से गुजरा, उसके बाद से लेके आज तक हर रोज कुछ ना कुछ होता जा रहा है। I'm sorry, Faiz. Sorry? For what? तुम्हें कुछ अंदाजा भी है? तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि मैं अपनी शादी की वजह से कितना एक्साइटेड था, तुम्हें पाने के लिए कितना बेताब था मैं। तुम्हारे और मेरे हनीमून के लिए कितने प्लान्स बनाए थे मैंने, हम दोनों इकट्ठे पाकिस्तान का पूरा नॉर्दर्न एरिया घूमेंगे। और तूबा ने मेरी सारी खुशियां बर्बाद कर दी। इसमें तूबा का क्या कसूर है? उस बेचारी के साथ तो खुद कितना बड़ा सानेहा हो गया। सानेहा? उसके साथ हुआ है? मुझे तो लगता है सानेहा मेरे साथ हुआ। मैं तुम्हारी कुर्बत चाहता हूं मायरा, और तुम मुझसे दूर जा रही हो। नहीं फाइज, ये तो बस अम्मा और बाबा की वजह से, आपको पता है वो कितने परेशान हैं। तुम्हें कितनी फिक्र है उनकी फीलिंग्स की, और मेरे जज्बात का तुम्हें जरा सा भी एहसास था? फाइज प्लीज, आप तो मुझे समझने की कोशिश करो। क्या समझूं मैं? हाँ? क्या समझूं? मायरा तुम्हारे पास मेरे लिए थोड़ा सा भी वक्त नहीं है, अब तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। आई लव यू एंड आई वॉन्ट योर लव। तो मैं भी जाओ मायरा, अपनी अम्मा के सिरहाने बैठो। फाइज प्लीज मेरी बात तो सुनो। प्लीज लीव मी अलोन। कब से खाना रख के गए हैं तुम्हारे लिए और तुम होके खाना खा ही नहीं रही, थोड़ा सा तो खा लो ना। यूसुफ दो मिनट दो, जरा मैं तुम्हारी भाभी को खाना खिलाती हूं। ओके एज अ विश।
अच्छा तूबा थोड़ा सा खा लो। तूबा मेरी चंद बातें गौर से सुनो, मैं तुम्हें कुछ समझाना चाहता हूँ, और यूसुफ अगर मैं सही तरीके से समझा ना पाऊँ तो मेरी हेल्प कर। Why not? Sure. After all, मैं तुम्हारा ही दोस्त हूँ। खाना नहीं खाना? अच्छा चलो तुम्हारी मर्जी, घर जाके खाओ। घर जाना चाहती है? क्यों यूसुफ, इसको घर भेज दे? हाँ भेज दो, और कुछ बातें समझा। हाँ बातें तो समझानी पड़ेंगी थोड़ी सी। अच्छा यूसुफ तुमने तानिया को देखा? तानिया तूबा की छोटी बहन ना? अरे यार बहुत चार्मिंग है। अगर तूबा ने गलती से भी कभी जुबान खोली तो मैं काम करूंगा, मैं तानिया को भी यहां ले आऊंगा और फिर तुम तानिया के साथ। अगर तू तानिया को यहां मेरे पास छोड़ेगा तो आपा का हंसता हंसता घर, फिर उबैद अंकल की इज्जत, अगर उनकी दूसरी बेटी के साथ भी यही कुछ हुआ जो पहली के साथ हुआ था, बेचारे तो जीते जी बचाए। हाँ जैसे गीती के वालिद अख्तर साहब, बेचारे अख्तर साहब। वैसे एक वालिद तो अपनी बेटी की बेहतरी बर्दाश्त नहीं कर सकता, जबकि गीती का तो मर्डर भी हो गया था। ऐसे तूने अच्छा नहीं किया उसे मारकर, तुझे नहीं मारना चाहिए था उसे। मैं मारना चाहता नहीं था उसे, बस उस दिन मुझे गुस्सा दिला दिया उसने, लेकिन उस दिन उसने मेरे मुंह पे थप्पड़ ही दे मारा। अब तुझे तो पता है मेरे गुस्से का, मुझे जब गुस्सा आ जाता है तो फिर मैं कुछ नहीं देखता। हाँ तब तुम्हें गुस्सा आ जाता है ना तो तुम जुनूनी हो जाते, तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहता और वही करते जो तुम्हारा दिल करता है। और मैं तूबा से भी यही एक्सपेक्ट करूंगा कि ये मुझे कभी गुस्सा नहीं, क्योंकि ऐसा ना हो कि मुझे दोबारा से गुस्सा आ जाए और मेरा गुस्सा तानिया मायरा अपी और उबैद अंकल के लिए किसी मसले का बायस हो। इसलिए तूबा तुम अच्छे बच्चों की तरह घर जाओगी, और अगर कोई तुमसे पूछे कि तुम इतने दिन किन लोगों के साथ रही थी तो तुम अपनी जुबान बिल्कुल नहीं खोलो, और ये तुम्हारे खूबसूरत होंठ अगर अब खुलेंगे तो सिर्फ मेरे निकाह के इकरार के लिए ही खुले। उसके होने का तो एक एहसास रहता था। जब से वो गई है मेरे घर में तो सन्नाटे हो गए। मैं नहीं जानती थी कि मेरा सबसे बड़ा दुश्मन मेरा सबसे अच्छा दोस्त होगा। एक को तो दफना है, दूसरी को क्या जिंदा लाश सोचते फुला। दुबा की फुलाई इसी में है कि हम सब अपनी जबानें बंद रखें। मेरा अदब तो सागर नहीं सकता। तूबा तुम्हारी मोहब्बत ने सब कुछ करवाया मुझसे, एक के बाद एक परेशानी आती जा रही है। तूबा से मैं मोहब्बत करता हूँ, दो दिन हो गए मोइज वो घर से दूर है। गुजरे तीन रातों में क्या 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 बोलते मुझ पे गुजर गए सभी मेरे दिल से उतर गए। रंग रे दा
मांग रहे।